विवाद की इस घड़ी में संतोषी माता मंदिर स्वारघाट के सदस्य लगभग 2 माह से कोरोना योद्धा बनकर प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात सेवाएं दे रही हैं। इनमें 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात सब कुछ छोड़कर प्रशासन द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों तथा क्वारंटाइन किए गए लोगों को चाय, नाश्ता तथा 2 वक्त का खाना भी मुहैया करवा रहे हैं। ये सभी समाज सेवक अपना काम काज छोड़कर 2 माह से लोगों को खाना खिलवाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के कई युवाओं भी इनका सहयोग दे रहे हैं। इस कार्य में स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग उन्हें नाम मात्र का ही मिल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस महायज्ञ में पूर्ण आहुति डालने का काम किया है। हालांकि इस कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों ने समाज सेवा करने वालों के मनोबल को गिराने की कोशिश तो की, लेकिन कोरोना योद्धा बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहे और सेवा में लगे रहे, जो अभी भी जारी है। कमेटी के कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद महाजन ने बताया कि जब तक ये आपदा की घड़ी चल रही है, सेवा का काम ऐसे ही चलता रहेगा। गोपाल मंदिर स्वागत महेंद्र सिंह राणा। हम लगभग यहाँ 2-2.5 महीने से संतोषी माता मंदिर स्वागत में यहाँ कोरोना टाइम किए गए लोगों की सेवा में लगे हुए। यहाँ भंडारा चला हुआ, तब से लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर कोई राशन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो मैं इन लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और नंबर 2 हमारे यहाँ पुरुषोत्तम प्रधान जी हैं, उनकी गाड़ी है, राजपाल जी हैं, उनकी गाड़ी अपने तेल पे खाना पहुँचा रहे हैं हर जगह पे, जहाँ जहाँ भी कोरोना टाइम किए हुए लोग हैं। लेकिन हमें मुझे एक ना बहुत दुख भरे मन से कहना पड़ रहा है कि अभी 2 दिन पहले ही सी एम ओ साहब बिलासपुर यहाँ आए थे स्वागत हॉस्पिटल में, तो मैंने उनसे दस्ताने मांगे, तो उन्होंने कहा कि अगर काम होता है तो करो, नहीं तो घर बैठो, हमारे पास दस्ताने नहीं है। अगर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी ऐसा जवाब दे तो बड़े दुख की बात है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो कोरोना योद्धा 2-2.5 महीने से लगे हैं, उनकी क्या हालात होगी, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो बाकी तो सभी यहाँ जितने भी प्रशासन है सबका हमें सहयोग रहा, जो भी हमारे लड़के आते थे उनको भी सबको सहयोग रहा। तो मैं एक बार फिर यहाँ स्थानीय जो लोग हैं जो यहाँ पे राशन देते थे या दे रहे हैं, उनका सबका अपनी तरफ से और मंदिर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।